Hello guys, welcome back to Mamta Nepal tutorial, and in this video we're going to study a new topic, which is human health and disease. This is the chapter 8 of 12th class biology book, and this is very important for exam point of view, so please pay attention in this topic. Let's start it. The health can be affected by, jo health hoti hai ye kis se affect ho sakti hai, ye genetic disorder se affect ho sakti hai, इन्फेक्शन से हो सकती है और लाइफस्टाइल जो हमारे रहन सहन होता है उससे हो सकती है. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये होते हैं जो भी डिसऑर्डर जो जीन से रिलेटेड हो, यानी हेरिडिटेबल भी हो, या फिर आपके अगर जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो वो सारे के सारे डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. इन्फेक्शन क्या होते हैं? या कोई पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो इन्फेक्शन कर देते हैं और जिसकी वजह से जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट हो जाती है. लाइफस्टाइल जो होता है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है हेल्थ के अंदर. अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होती. लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे फूड और जो वाटर क्वालिटी होती है वो, कि आप कितना, कहीं आप कंटेमिनेटेड फूड या वाटर ना ले रहे हो, साथ में आप रेस्ट और एक्सरसाइज जो पोर्शन होता है, यानी डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए, ये ज्यादा जरूरी होती है. साथ में जो स्लीप होती है या रेस्ट होता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम लेना चाहिए, जैसे बोला जाता है कि 6 से 7 घंटे हमेशा सोना चाहिए. ये एक हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती है. अगर आप इससे कम करोगे तो वो पर्सन जो होगा वो ज्यादा हेल्दी नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे. जैसे जो हेल्थ होता है और फिजिकल फिटनेस होता है, ये सिर्फ फिजिकल पे डिपेंड नहीं करता कि आप बाहर से देखने में कैसे दिख रहे हो, तो सिर्फ वो फिटनेस नहीं होती. इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी फिजिकली भी सही होना चाहिए, मेंटली भी सही है और सोशली भी सही है. अगर ऐसा कोई है तो उसे हम, उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे. अब देखते हैं डिजीज होते क्या है. डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है. इन्फेक्शियस वो होंगे द डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत आराम से ट्रांसफर जो हो जाते हैं उनको इन्फेक्शियस बोलते हैं. जैसे एड्स होते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं. नॉन इन्फेक्शियस कैसे होते हैं? जो कि ट्रांसफर नहीं होते. जैसे कैंसर होता है, कैंसर में नॉर्मली जो एक सेल होता है वो अपने फंक्शंस भूल जाता है, या फिर वो सिर्फ डिवाइड करने की क्षमता रखता है लेकिन बाकी जो और डिफरेंशिएशन होता है वो नहीं करता, और कॉन्टिन्यूस डिविजन की वजह से जो रिजल्ट होता है वो एज अ कैंसर हो जाता है. और जो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज होते हैं, ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को होते हैं जो इन्हें कंज्यूम करते हैं और किसी को नहीं होते. अब हम देखते हैं कुछ कॉमन डिजीज जो कि ह्यूमन में ज्यादातर देखी जाती है और जो ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे आज हमने ले लिए हैं. गाइज अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ डिजीज से रिलेटेड, तो आप वहां से देख सकते हैं. उसमें सारी डिजीज हैं, पॉजिटिव एजेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं और बाकी उनकी जो भी जानकारी है सारी की सारी एक टेबल में फॉर्म में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. आप वहां से देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा. अब देखते हैं पैथोजन क्या होते हैं. पैथोजेंस वो होते हैं जो कि कॉज करते हैं डिजीज, यानी डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उन सबको पैथोजन बोला जाता है. इसमें बैक्टीरिया भी आ सकता है, वायरस भी आ सकता है, फंगी भी आ सकता है, या कोई भी और ऑर्गेनाइज्म, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म वगैरह की वजह से, जिसकी भी वजह से अगर डिजीज होती है हम उसको पैथोजन बोलते हैं. सबसे पहले डिजीज आता है टाइफॉइड. टाइफॉइड जो होता है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम. ये जो बैक्टीरियम होता है, यानी ये बैक्टीरिया से फैलता है जिससे टाइफॉइड होता है. स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, यानी खाने में कुछ गंदगी आने की वजह से, या फिर पानी के अंदर कुछ गंदगी कंटेमिनेशन होने की वजह से, यानी जिस पानी के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था आपने वही कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से ये फैलता है. सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके? हाई फीवर्स होते हैं, वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्टिपेशन हो जाते हैं, हेडेक्स होने लगता है, या फिर हमारे पास लॉस ऑफ एपिटाइट. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं कि इससे टाइफाइड हो गया है. और टाइफाइड को कंफर्म करने का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, इसको वाइडल टेस्ट कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमेशा याद रखना. ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाइडल टेस्ट किसको टेस्ट करने के लिए होता है, तो ये होता है टाइफाइड के लिए. नेक्स्ट जो डिजीज है वो है निमोनिया. निमोनिया किससे फैलता है? ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से फैलता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो होता है उससे फैलता है. तो ये दो बैक्टीरियम होते हैं जो कि निमोनिया
फैलाते हैं, ये भी बैक्टीरिया जो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका भी बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है एल्विओलाई पोर्शन। एल्विओलाई पोर्शन कौन से होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एक एयर सैक वाला पोर्शन होता है जहां पे एयर ट्रैप होती है, तो उस एरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं, बाकी पूरे सिस्टम को नहीं करते, सिर्फ एल्विओलाई को करते हैं। अगर सीवियर निमोनिया हो रखा हो तो उसके अंदर मेनली जो रिजल्ट होता है या फिर जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लंग्स होती हैं वो फिल्ड हो जाती हैं फ्लूइड से, यानी जो म्यूकस लाइनिंग होती है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो सारी की सारी म्यूकस जो होगा वो बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा और जमा हो जाएगा अंदर सैक के अंदर, जो एयर सैक है। तो इसके अंदर फिर क्या होगा कि सारे में वाटर होगा या फिर जो म्यूकस होगा वो होगा, तो एयर जो होगी ट्रैप नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये सारे के सारे होते हैं, इससे कुछ प्रॉपर सिम्टम्स भी होते हैं जैसे फीवर आना या फिर ठंड लगना, कफ होना, हेडेक, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो उसके अंदर ये भी सिम्टम्स दिखते हैं कि जो लिप्स और जो फिंगर्स होते हैं, नेल्स, जो नेल्स होते हैं फिंगर्स के, तो वो काफी ग्रे या ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, तो उसका भी कारण यही होता है कि उसको निमोनिया हो गया है। ये फैलता कैसे है, ये है इनहेल द ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, यानी ड्रॉपलेट जो रिलीज हुई है ये कहाँ से रिलीज हो सकती है, जैसे स्नीजिंग की गई है या फिर आपने कोई यूटेंसिल शेयर किया है, तो कोई भी कहीं से भी कोई सलाइवा या फिर कोई भी ड्रॉपलेट जो म्यूकस की ड्रॉपलेट होती है जैसे स्नीज करते हैं तब रिलीज होती है, तो वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में आ जाती है तो उसे निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ये किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ ग्लास एंड यूटेंसिल्स की वजह से भी होता है, अगर आप ग्लासेस शेयर कर रहे हो या यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हो तो भी आपको निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से आपको हो सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मली हमें हर सीजन के अंदर जैसे कोल्ड हो जाता है तो वो उसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ये राइनो वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, इसे हम वायरल फीवर भी बोलते हैं आजकल, ये वो इसीलिए है क्योंकि ये एक वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ये जो राइनो वायरस होते हैं ये इन्फेक्ट कौन सा एरिया करते हैं, नोज को कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी पैसेज को करते हैं, लेकिन लंग्स को नहीं करते, यानी ये हमारे पास रेस्पिरेटरी, जैसे ये नोज वाला एरिया होगा और ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक कर सकते हैं, ये यहां तक, इस एरिया तक कर सकते हैं, लंग्स वाले एरिया के अंदर ये इन्फेक्ट नहीं करता, वहां तक ये नहीं पहुंचता। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं नेजल कंजेक्शंस, यानी जो नाक बंद हो जाते हैं उसे कहते हैं, डिस्चार्ज होता है या फिर रनिंग जो नोज कहते हैं वो हो सकता है, या सोर थ्रॉट, जो गला दुखता है वो काफी बार दुखता है, थोड़ी खराश आने लगती है, कफ होता है, हेडेक होने लगता है और टाइर्डनेस फील होती है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। इसके जो ये स्प्रेड कैसे हो सकता है, ये भी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, यानी कफ या स्नीज करते टाइम जो ड्रॉपलेट रिलीज हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर नॉर्मल पर्सन उसे इनहेल कर देता है तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लास्मोडियम से होता है। प्लास्मोडियम की काफी सारी स्पीसीज होती हैं जो कि अलग अलग मलेरिया के कॉज करती हैं, जैसे जो प्लास्मोडियम वीवेक्स होता है वो एक अलग टाइप का मलेरिया करता है, प्लास्मोडियम मलेरिया एक होता है, एक प्लास्मोडियम फेल्सिपेरियम होता है, तो ये सारे के सारे जो उनके अलग से जो स्पीशीज होती हैं इस प्लास्मोडियम की, तो वो अलग अलग डिजीज कॉज करती हैं। प्लास्मोडियम में होता क्या है, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये सिर्फ बाइट से स्प्रेड होता है, एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है उसकी बाइट से स्प्रेड होता है, और प्लास्मोडियम एंटर द बॉडी एज स्पोरोजॉइड्स, तो स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में प्लास्मोडियम एंटर करता है और कैसे जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैसे जाएगा, जब एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होगा वो बाइट करेंगे। इसके अंदर इट रिक्वायर्ड टू होस्ट, ह्यूमन और मॉस्किटो दो होस्ट होते हैं मलेरिया के लिए। अब हम मलेरिया का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे मलेरिया होता है। तो सबसे पहले एक जो बैक्टीरिया, एक जो जो मॉस्किटो है, इसने बाइट किया है एक ह्यूमन को, एक इन्फेक्टेड पर्सन से पहले इसने जो ब्लड था वो सक किया था और अब दूसरे एक हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्ट किया। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजॉइट्स आर इन्फेक्टेड इनटू इंजेस्टेड इनटू द बाइट, तो इंजेक्ट हो गए हैं बाइट के थ्रू, ये जो जो स्पोरोसोइट्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड से ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सीधा का सीधा पहले लिवर में। जो पैरासाइट्स होंगे स्पोरोसोइट्स जो हैं, रीच टू लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू वो लिवर के अंदर जाएंगे। लिवर के अंदर वो क्या करेंगे, वो डिवाइड होंगे,
यानी दे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल ब्रश द सेल एंड रिलीज इन टू द ब्लड. तो ये नॉर्मली एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर करके, और एक टाइम आएगा जब वो जो सेल होगा वो ब्रस्ट आउट हो जाएगा और ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे. ये जो रिलीज होके कहाँ जाते हैं, ये दोबारा से ब्लड के अंदर जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं. यानी पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यहाँ पे भी एसेक्सुअली था और यहाँ पे भी एसेक्सुअली है, इन द रेड ब्लड सेल्स ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स. तो सारे जब ये ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्रस्ट होती हैं, उसके बाद फीवर और बाकी जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के वो दिखने लग जाते हैं. अब ये जो न्यू जो सेल्स होंगे, ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये नए रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. यानी अब सेक्सुअल स्टेज आ जाएगी, गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, डेवलप दी रेड ब्लड सेल्स के अंदर गैमेटोफाइट्स बनेंगे. तो गैमेटोफाइट्स कौन से होते हैं, एक फीमेल होगा और एक मेल होगा. अब ये गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपने ले लिया, मतलब जिसको अगर खो रखा है उस इन्फेक्टेड पर्सन से, ये गैमेटोफाइट किसने लिए हैं, मॉस्किटो ने ले लिए. अभी तक पूरा स्टेज क्या था, वो ह्यूमन होस्ट में था, अब मॉस्किटो के होस्ट में. मॉस्किटो में क्या होता है, जैसे ये लेते हैं उसके बाद क्या होगा, मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील. तो जैसे उन्होंने सक किया तो उनके अंदर आ गया, अब मॉस्किटो के अंदर आ गया है. फिर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट. तो मॉस्किटो के गट के अंदर अब डेवलपमेंट वगैरह होगी, अब जो जायगोट फॉर्मेशन होगी या फर्टिलाइजेशन होगा वो सारा का सारा कहाँ पे होगा, अब उनके गट के अंदर, जो मॉस्किटो है उसके गट के अंदर. उसके बाद जब ये हो जाएगा, ये जो फर्टिलाइजेशन है उसका रिजल्ट क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स होते हैं. ये स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे और कहाँ पे होंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, यानी जहां जो उनसे पोर्शन होता है, ये जहां से इन्फेक्ट करते हैं जिस पोर्शन से, तो वो वाले सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये होते हैं. और जब वो फिलअप हो जाता है ये पूरा का पूरा, तो ये भी ब्रस्ट आउट होता है. और जैसे ही ये मॉस्किटो किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट करता है तो उसको भी ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये चले जाते हैं, और ऐसे ही सेम साइकिल दोबारा दोबारा रिपीट होती रहती है. नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एमीबायसिस. इसको हम एमीबाइक डिसेंट्री भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसी डिजीज का. ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट से फैलती है ये डिजीज, जिसका नाम होता है एंटामिना हिस्टोलिटिका. तो ये जो जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर जो प्रोटोजोन्स पैरासाइट होते हैं, ये कॉज करते हैं इस डिजीज को. ये मेनली इन्फेक्ट कौन से पोर्शन को करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को करते हैं ह्यूमन की. इसके जो मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एब्डोमेन पेन होने लगते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, स्टूल जो होगा वो एक्सेस म्यूकस के साथ होता है, या फिर ब्लड क्लॉट्स भी आने लगते हैं. तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये इस डिजीज के होते हैं. और स्प्रेड कैसे होती है, ये हाउस फ्लाई से, यानी हाइजीन की कमी की वजह से ही होती है. अगर हाउस फ्लाई जो होते हैं वो गलत जगह पे या फिर स्टूल वाले एरिया या कहीं पे भी बैठती है, किसी गंदगी में बैठती है, और उसके अंदर ये सारे के सारे जो प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर उनकी जो लेग्स होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं, और जैसे ही वो हमारे फूड के ऊपर या फिर किसी भी चीज पे बैठती है तो वो वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे पेट के अंदर. नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एस्केरेसिस. ये जो डिजीज है ये कॉमन राउंड वॉर्म की वजह से फैलती है, जिसको हम वुलचेरिया भी बोलते हैं या फिलेरिया वॉर्म जो होते हैं, इन दोनों से एस्केरेसिस फैलते हैं. एस्केरेसिस क्या होता है, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, यानी इंटेस्टाइन में जाके ये सर्वाइव कर सकता है. इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्क्यूलर पेन होता है, या फिर फीवर आने लगते हैं, एनीमिया हो जाता है. एनीमिया होता है यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, यानी इंटेस्टाइनल पैसेज जो होगा वो ब्लॉक हो जाता है. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं एस्केरेसिस के. और ये किसकी वजह से फैलती है, इन्फेक्टेड थ्रू द ट्रांसमिटेड कंटेमिनेटेड वाटर, यानी अगर वाटर के अंदर कंटेमिनेशन होगा, ये राउंड वर्म्स वगैरह उसके जो एग्स होंगे या फिर कोई ना कोई चीज उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है और वही वाटर आपने पी लिया है, तो उसकी वजह से ये हमारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट जो डिजीज है उसको हम एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं और फिलेरेसिस भी बोलते हैं. ये दोनों सेम नाम है. एलिफेंटेसिस होता है जॉन्सी डिजीज, इसके अंदर जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं, जो मोस्टली जो लिम्ब जो लोअर लिम्ब्स होते हैं उस एरिया के अंदर काफी बड़ा मतलब स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, और जो वेसिकल्स वगैरह होते हैं
उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, या फिर जिसको हम एलिफेंट टाइप का जो पैर होता है ह्यूमन बींग का, वो कुछ ऐसा देखने में दिखता है। ये जो डिजीज है ये भी वुलचेरिया की वजह से ही होती है। मेनली ये इन्फेक्ट कौन से एरिया को करते हैं, ये लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनको करते हैं, और ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने में आते हैं कि जो लोअर लिम्स होते हैं या जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर इनका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा दिखता है। और स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो बाइट, ये भी मॉस्किटो बाइट की वजह से फैलती है। फिर देख नेक्स्ट जो डिजीज है वो है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किससे फैलता है, वो फंगी की वजह से फैलता है, और इसमें बहुत सारी फंगी की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो इस डिजीज को कॉज करती हैं, जैसे माइक्रोस्पोरियम होती है, ट्राइकोफाइटोम होती है, इपिडर्मोफाइटोम होती है। ये तीनों के तीनों जो फंगी होती है ये रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करती है। ये कहाँ पे होता है, जो लेग्स के फिंगर और टो के बीच के अंदर जो एरिया होते हैं वहां पे ज्यादातर ये पाया जाता है। इसमें खुजली होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, और काफी राउंड कलर राउंड टाइप का जो शेप की एक फंगस होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं चीज दिखती है आपको कि जहाँ पे काफी ड्राइनेस हो जाती है उस एरिया के अंदर, और इचिंग बहुत होती है। तो ये मेनली एक सिम्टम होता है रिंगवॉर्म का। सिम्टम्स और कैसे होते हैं, जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाते हैं, लेसन्स जो होते हैं वो काफी स्केली होते हैं, और ये काफी सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे स्किन के अंदर तो मेनली होता ही है, जो नेल्स होते हैं वहां उस एरिया में भी, और स्कैल्प जो एरिया होता है उस एरिया में भी काफी ज्यादा इनके जो सिम्टम्स होते हैं या फिर काफी ज्यादा ये वहां पे पाए जाते हैं। स्प्रेड कहाँ से होते हैं, ये सॉइल से स्प्रेड होते हैं, और बाय यूजिंग टाउल क्लॉथ और इवन दी कॉम फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से कॉम यूज करना, टाउल यूज करना, या फिर कोई क्लोथ यूज करना, उसकी वजह से रिंगवॉर्म फैल जाता है। कुछ जो इन्फेक्टेड डिजीज होती है वो कंट्रोल की जा सकती है वैक्सीन्स के द्वारा। वैक्सीन्स पहले से ही अवेलेबल होती है मार्केट में कुछ डिजीज के लिए, जैसे पोलियो होता है, डिप्थेरिया होता है, निमोनिया होता है, टेटनस होता है, इन सब की वैक्सीन्स पहले से ही होती हैं और बच्चों को दी भी जाती हैं, जिससे जब भी पैथोजन अगर बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि ये क्या चीज होती है और कैसे हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये टॉपिक्स। अगर आपको किसी में भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।